जय हिंद। नमस्कार मेरे सेठ सैनियों, स्वागत आप सबको अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का हमारा वीडियो स्पेशली SSC GD 2025 को लेकर है। आप सबको बता दूं कि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको SSC GD 2025 की कैसे तैयारी करनी चाहिए। अगर मैं जो बता रहा हूं अगर आप वैसे तैयारी कर ले तो मैं 100% आपको विश्वास के साथ पूरी आशा और उम्मीद दिलाता हूं कि आपका इस बार सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कई बच्चे जो पहली बार तैयारी कर रहे थे क्या मेजर मिस्टेक करते हैं अपनी तैयारी में, उसी तैयारी जो आपकी मिस्टेक है उसको दूर करने के लिए वीडियो है। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो में अंत तक बने रहे, 2-4-5 मिनट का आपका समय लगेगा आपके जीवन के लिए। SSC GD आप सबको पता है पिछले 4 साल से हमारी अकेडमी में बैच चल रहे हैं और हर बार हमारा जो परिणाम है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं जो ऑफलाइन बैचों का जो परिणाम है वैसा परिणाम हिंदुस्तान में चैलेंज करते हैं कोई SSC GD में नहीं दे सकता। अगर कोई है तो हम उसके साथ में कॉम्पिटिशन करने को तैयार है। उसी आधार में मैं आपको बता रहा हूं किस वजह से हमारा परिणाम इतना अच्छा रहता है स्पेशली SSC GD का, उसके कुछ रीजन बता देता हूं। वैसे ही आपको तैयारी करनी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए SSC GD में। सबसे पहले आप सबको बता दूं लाडो कि SSC GD की ये वाली जो वैकेंसी है इस बार SSC GD 2000 जिसकी मैं 25 नाम ले रहा हूं, ये वैकेंसी 24 में आ रही है, 25 में नहीं, ध्यान रखना वैकेंसी 2024 की है। अगस्त के महीने में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, 27 अगस्त से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और वैकेंसी अच्छे पदों पर रहेगी। मान के चलना 50,000 के आसपास ही वैकेंसी रहती है SSC GD की, तो उससे ऊपर ही उम्मीद करें, उससे नीचे नहीं आएगी। तैयारी कैसे करनी चाहिए, देखिए लाडो सबसे पहले SSC GD में आपको बता दूं पेपर ही होता है, जो बच्चे नए उनको बता दूं इसका एज क्राइटेरिया, जो एज क्राइटेरिया वो 18 से 23 साल होता है, ठीक है। और सबसे पहले इसमें पेपर होता है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट और SC ST के लिए 5 साल की छूट इसमें रहती है। पेपर में इसमें 4 पार्ट आते हैं, एक आता मैथ आते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन लाड दो ध्यान रखना जो कि 40 नंबर के हैं, उसी के साथ में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं वो भी 40 नंबर के, जीके और जीएस, जीएस और जीके दोनों मिलाकर 20 क्वेश्चन और 40 नंबर के, और एक आती है हिंदी और इंग्लिश, आप जो इच्छा हो वो इसमें से ले सकते हैं हिंदी और इंग्लिश, इनके 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको एक चूज करना होता है 40 नंबर। ज्यादातर बच्चे जो ऐसे जीडी की तैयारी में जो नए बच्चे होते हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं कंपटीशन की, वो क्या करते हैं वो इन चारों सब्जेक्ट की बुक लेंगे। मैं बता दूं आपको अपने चारों सब्जेक्ट की बुक आपको फ्लिपकार्ट पे अगर आप सर्च करोगे SSC GD 2024 बुक विराट सर आगे लिख दोगे तो आपको बुक भी मिल जाएगी। अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक चाहिए तो ये हस्तलिखित बुक आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों जगह से मिल जाएगी, आपको सर्च करना SSC GD ओल्ड पेपर बुक विराट सर तो ये बुक मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है लाडो। और अलग अलग सब्जेक्ट की भी अपनी सारी बुकें हैं, वो बुक भी आपकी काफी मदद करेगी तो वो बुक भी आप ले सकते हैं। अब देखो ज्यादातर बच्चे जो नए होंगे चारों सब्जेक्ट की बुक लेंगे या ओल्ड पेपर की बुक लेंगे, ये बेसिक है, यहीं से शुरुआत होती है तैयारी की। और क्या करेंगे सबको पढ़ना शुरू कर देंगे अभी से, जब आप चारों पार्ट में अभी से शुरुआत कर दोगे तो आपके बहुत कम चांस है कि आप नंबर अचीव कर पाओ। तैयारी करने का इसमें जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आपको अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि SSC GD की जो मेरिट है वो एक नंबर जिससे डिपेंड करती है वो है मैथ सब्जेक्ट, दूसरे नंबर अगर किसी पे डिपेंड करती है तो वो है रीजनिंग सब्जेक्ट, ठीक है। अगर ये 2 सब्जेक्ट आपने कंट्रोल कर लिए, बढ़िया कर लिए, यानी सबसे पहले इस समय क्या अगर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो मैथ को आप 2-2.5 घंटे का समय दे पाओगे, इससे ज्यादा नहीं भाई, 2 घंटे मैथ को दे लो, हर एक सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी में तुम 2-2 घंटा दो भी 8 घंटा, अच्छा 7 घंटे की तुम्हारे क्लास है तो 15-16 घंटे की रूटीन हो जाती है जो कि बहुत हार्ड रूटीन होती है भाई। आप मैक्सिमम एक दिन में 12 घंटे के आसपास पढ़ सकते हो या 10-12 घंटे, 10 से 12 के बीच में। तो इस समय जब वैकेंसी के फॉर्म नहीं लगे यानी अगस्त तक, मेरे हिसाब से आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, वो है मैथ्स और रीजनिंग। इसमें भी आपको 70% जो एरिया जो समय अपना लगाना है वो लगाना है मैथ में और 30% अपना समय लगाना है रीजनिंग में। सिर्फ आप इन 2 सब्जेक्ट को कवर करें और न्यूज़पेपर पढ़ते रहे डेली, इससे आपकी करंट जीके मजबूत हो जाएगी, ठीक है। न्यूज़पेपर अगर डेली पढ़ोगे तो आपकी करंट जो जीके है वो भी अच्छी हो जाएगी। इस समय जब तक अगस्त में भर्ती आती है उस समय तक आपको इन 2 सब्जेक्टों को मजबूत करना चाहिए, इसी प्रकार से आपकी अपनी सेल्फ स्टडी बना लेनी चाहिए, दूसरों को नहीं देखना चाहिए। ज्यादातर बच्चे दूसरों को देते हैं, अरे वो ये पढ़ रहा मैं भी ये पढ़ लूं, ये पढ़ रहा ये पढ़ लूं, इसकी क्लास है उसकी क्लास है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप ज्यादा क्लासें लोगे तो आप ज्यादा मैटर कवर नहीं कर पाओगे,
अक्सर SSGD में उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जिनकी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी होती है। क्लासों से आपको जब आप क्लास लेते होते हैं ना, आपको पता नहीं चलता ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप सुनते रहते हो कहानी की तरह, लेकिन आपको याद नहीं रहता। याद आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है आपकी सेल्फ स्टडी, तो सबसे जरूरी है सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी में भी आप सबसे ज्यादा समय दीजिए मैथ को इस समय, और बाकी समय दीजिए रीजनिंग को। बाकी आप पढ़े सिर्फ न्यूज पेपर, हिंदी और जीके इस समय आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये दो सब्जेक्ट आप अगस्त तक तैयार कर लेते हैं, तो अगस्त के बाद में आपके पास में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जनवरी में पेपर होंगे। ये नहीं, आपके पास में 5 महीने का लगभग समय रहेगा। इन 5 महीने में भी आप आगे चल के जो अगर आपकी मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो गई तो आपका 100% सिलेक्शन है। ये नहीं अगर आप SSGD को टारगेट बनाने, तो कुल मिला के 100 बात की, एक बार आप पहले मैथ सीख लीजिए। 10th लेवल की मैथ अलाउड में, ज्यादा भारी नहीं है, 10th लेवल की। आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, इसके लिए अगर आपको नहीं आती है आप हमारे अकेडमी भी आ सकते हैं, अगर आपका पॉसिबल हो आना। अगर आप अकेडमी नहीं आ सकते तो आप अपने आसपास की कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा मैथ सीखने में थोड़ी सी परेशानी आती है कि आपके जो डाउट है वो थोड़े से क्लियर नहीं हो पाते, चाहे कितना भी कर लो। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी नौकरी लगे, तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आपको फोकस इस समय मैथ पे करना चाहिए। जैसे हम हमारी अकेडमी में भी प्रेजेंट टाइम में 4 घंटे की मैथ की क्लास लगाते हैं और 4 घंटे ही सेल्फ स्टडी करवाते हैं मैथ की, बाद में 1 घंटे की रीजनिंग की क्लास, 2 घंटे रीजनिंग की प्रैक्टिस। ये रूटीन रहता है SSGD वालों का इस समय। बाकी GK की एक नॉर्मल क्लास लगाते हैं, जो जिससे उनका थोड़ा माइंड वॉश रहे, थोड़ा अच्छा रहे माइंड, और न्यूज पेपर बस। बाकी हिंदी की भी क्लास भी एड नहीं की, और इसके अलावा GK की भी कोई क्लास एड नहीं, सिर्फ यही क्लास है, 6-7 घंटे की क्लास और 6-7 घंटे स्टडी। फिर देखना इसी के कारण रिजल्ट बनता बहुत तगड़ा। और जब बाद में जब फॉर्म भर जाएंगे, फिर जब 4 सब्जेक्ट आपको तैयार करना है, उस समय भी आपको 40% समय अपना किसको देना है, मैथ को, 20% समय रीजनिंग को, 20-30% समय आपका GK GS को, 15-20% भी आपको हिंदी को। इस हिसाब से डिवाइड करना बाद में अपने सेल्फ स्टडी के समय को। अगर आप जैसे मैंने बताया वैसे अगर तैयारी करो SSGD की, मैं गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, चाहे आप कितने भी कमजोर क्यों ना। अगर अभी से आप ठान दो, 6 महीने में तो अच्छे अच्छे बच्चे नौकरी लग जाते हैं। बच्चे तो 3-3, 3.5-3 महीने तैयारी करके भी लग जाते हैं। हमारे कई बच्चे इसका उदाहरण है, जिनसे आपको भविष्य में मुलाकात भी करवा देंगे। ठीक है लाडो, तो सबसे पहले राम मंत्र यही है कि इस समय आप मैथ और रीजनिंग के अलावा बाकी और कोई किताब मत देखो, बाकी कोई क्लास मत देखो, सब छोड़ो साइड में, सिर्फ मैथ और रीजनिंग के पीछे पड़ जाओ और वो सीख जाओ। मैथ रीजनिंग सीख गए, इसका मतलब SSGD में आपका सिलेक्शन पक्का, बात ही खत्म। तो बाकी पढ़ना ही किस लिए, पहले वो सीख लो, बाकी आप कवर कर लो। समझे बात को लाडो। जय हिंद, जय भारत।